नमस्कार सुप्रभातम। मैं अपने YouTube चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि 46 एज है और वो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा टैबलेट लेके एक्सरसाइज करके वह 18 एज का देखने को कोशिश में लगा है और वो कहता है कि अमृत तो मुझे हासिल करना है। ये पागलपन है, ये भारत का सनातन दर्शन के बारे में वो जानता नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु पहले से ही निश्चित हो गई है। और ये सोचने वाली बात है, वो प्लास्टिक सर्जरी से टॉनिक लेके या कोई भी कृत्रिम चीजों को लेकर वो अपने आप को जवान बना रखने की कोशिश करता है। हमारे गुजराती में कहावत है, जवानी आखरे जवानी छे, जवानी आखरे जवानी छे। अब दूसरा एक उनका जो मन में शंका है वह है अमरत्व हासिल करना। ये पागलपन आसुरी वृत्ति है और हमारे देश में रावण और हिरण्यकश्यप की कहानी आपको सबको मालूम है और एक पिक्चर का डायलॉग भी है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, उम्र बड़ी नहीं होनी चाहिए। आने वाले पलों में वो कितनी जिंदगी जी सकता है वो इस व्यक्ति पे निर्भर है। जब इंसान ही मर जाएगा तो मैं एक और बना के क्या करेगा। वो अमरत्व अपना नाम को रोशन करना चाहता है, पर यहां प्रश्न ये उठता है कि अमरत्व का जो पागलपन क्यों चढ़ा है। मुझे लगता है कि उसमें 2 मिलियन खर्चा करता है, 2 मिलियन अपने शरीर के पीछे खर्चा करता है। बैठ रहा है कि 2 मिलियन खर्चा, यदि चलो भगवान ने पैसा बख्शिश में दिया है, पर 2 मिलियन अपने शरीर पे खर्चा करना ये महामूर्खता है और ऐसे मूर्खों से ये दुनिया भरी हुई है। गालिब का एक शेर है, जहां में पागलों की कमी नहीं है, जहां में पागलों की कमी नहीं है एक को ढूंढो 1000 मिल जाते हैं। मुझे लगता है ऐसे दुनिया में पागलपन ज्यादा है, जहां में पागलों की कमी नहीं है मैं कहता हूं बिना ढूंढे ही 1000 मिल जाते हैं। तो ये पागलपन और सबसे बड़ी बेहोशी है, ये बेहोशी सबसे बड़ा अधार्मिक तरफ इंसान को ले जाता है। अब रही कुदरती बात है, सुंदरता क्या है। एक्चुअली सुंदरता अपनी कमियों को ढकने का प्रयास, अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करने का प्रयास है। और खूबसूरती चेहरे पे नहीं होती है, देखने वाले की नजर में होनी चाहिए। देखने वाले की नजर खूबसूरत है तो पूरी दुनिया खूबसूरत नजर आती है। इंसान नए ब्रांडेड कपड़े, नए ड्रेस, नए कपड़ों की वजह से वो सुंदर दिखने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपने हेल्थ पे फोकस करता है, जो अपनी आंतरिक संपदा पे फोकस करता है, जिसमें तेजस्विता, प्रामाणिकता, ओजस्विता, प्रसन्नता एवं वाणी का विचार और वर्तन, इस पर जो फोकस करता है वो किसी भी उम्र में वो खूबसूरत ही नजर आएगा। अपने सामने 2 एग्जाम्पल है, अमिताभ बच्चन एंड ओशू रजनीश, जिसकी आंखों में तेजस्विता थी। हर एक उम्र में अपने शौक को जिंदा रखोगे तो लाइफ टाइम आप जवान ही रहोगे, खूबसूरत ही नजर आओगे। अब मैंने आपको एक बीच में एक छोटी सी बात कही थी अमरत्व। रावण और कुंभकर्ण दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और वरदान मांगने गए। अब कुंभकर्ण का तो यही लक्ष्य था कि मुझे इंद्र का आसन मिल जाए, और इंद्र को थोड़ा डर लगा तो उन्होंने प्रार्थना की सरस्वती देवी को, तो सरस्वती देवी उनकी जिह्वा पे बैठ गई और कुंभकर्ण के मुख से निकल गया मुझे इंद्रासन नहीं निंद्रासन चाहिए। और निंद्रासन सुनते ही वो 6 महीने सोता रहा, 6 महीने खाता रहा। दूसरा रावण ने वरदान में यही मांगा कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, आप आए हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कभी मरूं नहीं, इसी शरीर में जीऊं और 1000 साल तक मैं जीऊं, मुझे कोई मारने वाला पैदा ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं शिव जी को लेके आया हूं और वो विनाशक के देवता है, वो कहे परमिशन दे दे तो ठीक है। शिव जी ने कहा कि नहीं भाई, मरना तो पड़ेगा, तू कुछ ऑप्शन रख सकता है। तब रावण ने अपने सामने से एक ऑप्शन रखा था कि मुझे बंदर यानी वानर और नर, साधारण नर वो मुझे मार सकते हैं, क्योंकि उनको वो तो लोग हमसे ही डरते हैं, वो क्या हमको मारेंगे। और इस वक्त राम भगवान और हनुमान जी इत्यादि वानर को जन्म लेना पड़ा।
अब ये कहानी, अब उसका दूसरा जन्म हिरण्यकश्यप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है। हिरण्यकश्यप की प्रॉब्लम क्या थी कि उनको देवता पे भरोसा ही नहीं था। उसने भी तपस्या की, उसने भी प्रार्थना की, ब्रह्मा जी वापस वरदान देने आए। तो ब्रह्मा जी को ये कहता है हिरण्यकश्यप, मुझे आप पर भरोसा नहीं, आप मुझे राइटिंग नहीं दे दो, आप शब्दों से खेल सकते हो, शब्दों में कंफ्यूज क्रिएट कर सकते हो, आप मुझे राइटिंग में दो तो आपको मैं भरोसा रखूं। शिव जी ने कहा ठीक है भाई, राइटिंग में दे देता हूं। तो तुम सोचो, वापस हिरण्यकश्यप ने वही मांगनी डिमांड की, मैं किसी के हाथ पे मरूं नहीं, मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा वो पॉसिबल नहीं, तुम कुछ ऑप्शन रख सकते हो। अब उसने एक महीने का समय लिया, सुबह न मरो, रात को न मरो, अंदर न मरो, बाहर न मरो, ऊपर न मरो, नीचे न मरो, बारिश से न मरो, ठंडी से न मरो, गर्मी से न मरो, अस्त्र से न मरो, शस्त्र से न मरो, इंसान से न मरो, जानवर से न मरो, अब इंसान को देवता से न मरो, अब इसे कैसे मारना। और इसी चिट्ठी लेके वो ब्रह्मा जी ने सिग्नेचर किए कि अब तो वरदान मिल गया। अब जो भी बंदा उसके सामने लड़ने आए, देवता को बहुत परेशान किया, सभी लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो चुके हैं। अब वो चिट्ठी लेके घूम रहा है, जो भी सामने लड़ने आए चिट्ठी दिखा दे, ये तो वरदान लेके आया है, इसको तो मारना मुश्किल है। अब वो निश्चिंत हो गया, अब मौत किस दरवाजे से आएगी पता नहीं। उसके घर में उसका बेटा पैदा हुआ है, वो भगवान का भक्त निकला, और इतना परेशान किया, जब उसने बहुत भक्ति की तब उसने तपस्या की, और उस वक्त भगवान दृश्य उतार प्रकट हुए हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, और पूरा उसको उठाया अपनी राजगद्दी से। दरवाजे के मध्यस्थल, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं उमरा, उमरे पे ले गए, और जेब में जो चिट्ठी थी उसको निकाला। बताओ, ऊपर न मरो, नीचे न मरो, गोद में लिया, अंदर न मरो, बाहर न मरो, उमरे के बीच में रखा, रात को न मरो, सुबह न मरो, शाम सांझ के समय, संध्या के टाइम पर, गर्मी ठंडी कुछ भी नहीं है, उससे मैं न मरूं। दूसरी बात, अस्त्र से न मरो, शस्त्र से न मरो, नाखून ना उसको अस्त्र बोलते हैं ना शस्त्र बोलते हैं, और जानवर से न मरो, इंसान से न मरो, आधा जानवर है, नृष्य होता है, नृ माने नर, सिंह माने सिंह, आधा मनुष्य आधा जानवर, दोनों मिला के अब चिट्ठी को निकाला और बोला अब कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रभु ये इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था, बस तुम्हारा बात खत्म हुआ, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, तो ये भाई साहब जो मिस्टर जॉनसन है इनको ये दो कहानियां सुना देना ताकि उसमें अवेयरनेस आ जाए। हाँ, अपनी हेल्थ को अच्छी रखें, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट का सहारा लेके आप अमर होने की कोशिश कर रहे हो, ये सबसे बड़ा पागलपन है। हमारा सनातन दर्शन कहता है कि कोई भी अमर नहीं, हाँ मृत्यु का डर समझ लो, मरण को यदि स्मरण में रखेंगे तो आदमी कभी गलत काम नहीं करता है, इसलिए मृत्यु को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको स्मरण में रखने की जरूरत है। मौत से बाहर जाना है तो वह आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से ही आप अमर हो सकते हो। धन्यवाद। अस्तु।